नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय गपा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। पार्टी हर एक सीटों पर क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से सोच विचार कर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर रही है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से अब उम्मीदवार बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आगामी आम चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने वाली है। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी द्वारा घोषित 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। बता दें कि पार्टी ने एमपी से 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार रात अपनी आवास पर संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों में हैं। बीजेपी सभी 29 सीटें जीतेगी, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अब की बार 400 पार का नारा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्य पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित बीजेपी नेताओं ने चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा की है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर मैं पूरी ताकत से लगातार काम करता नजर आऊंगा। बता दें कि साल 2005 में मुख्यमंत्री बनने से पहले चौहान ने 5 बार हाई प्रोफाइल विदिशा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। बस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पहले दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने 1991 में किया, उसके बाद स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने 2009 और 2014 में किया, और समाचार पत्र प्रकाशक रामनाथ गोयनका ने 1971 में किया था, जो बीजेपी के दिग्गज रहे हैं। उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी बार 2004 में विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी था, लेकिन 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वही बुधनी सीट से मौजूदा विधायक है, जो विदिशा लोकसभा क्षेत्र की अंतर्गत आती है। विदिशा से बीजेपी के रमाकांत भार्गव मौजूदा सांसद हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।